क्या है ल्यूकोरिया, इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है और कौन सी दवाई ले, तो चले शुरू करते हैं ये वीडियो। ल्यूकोरिया महिलाओं की एक आम समस्या है जो कई महिलाओं में पीरियड से पहले या बाद में एक या दो दिन सामान्य रूप से होती है। ल्यूकोरिया का अर्थ है महिलाओं की योनि से श्वेत, पीले, हल्के नीले या हल्के लाल रंग का चिपचिपा और बदबूदार स्राव का आना। यह स्राव अधिकतर श्वेत रंग का ही होता है, इसलिए इसे श्वेत प्रदर का नाम दिया गया है। इसकी मात्रा, स्थिति और समयावधि अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होती है। तो अब बात करते हैं ल्यूकोरिया के लक्षण की। कमजोरी का अनुभव, हाथ पैरों और कमर, पेट, पेडू में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, भूख न लगना, शौच साफ न होना, बार बार यूरिन, पेट में भारीपन, जी मिचलाना, योनि में खुजली। मासिक धर्म से पहले या बाद में सफेद चिपचिपा स्राव होना इस रोग के लक्षण है। इससे रोगी का चेहरा पीला हो जाता है। इसके अलावा स्थिति तब और भी कष्टपूर्ण बन जाती है जब धीरे धीरे जवान महिला भी इस समस्या के कारण ढलती उम्र की दिखाई देने लगती है। तो अब ल्यूकोरिया की समस्या के कारण के बारे में बात करते हैं। योनि की अस्वच्छता, खून की कमी, अति मैथुन, गलत तरीके से शारीरिक संपर्क, अत्यधिक उपवास, बहुत अधिक श्रम, तीखे, तेज मसाले, मसालेदार और तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, रोगग्रस्त पुरुष के साथ सहवास, मन में कामुक विचार का अधिक होना, योनि में बैक्टीरिया की मौजूदगी, योनि या गर्भाशय के मुख पर छाले, बार बार गर्भपात होना या कराना, मूत्र स्थान में संक्रमण, स्थानीय ग्रंथियों की अति सक्रियता, शरीर की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मधुमेह का रोग के कारण योनि में सामान्यतः फंगल यीस्ट नामक संक्रामक रोग हो सकता है। ऐसी गंभीर समस्या से बचने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम ल्यूको30DS है। यह एक हर्बल फॉर्मूले है जो फीमेल को ल्यूकोरॉयड से पीड़ित या आमतौर पर वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है और जैसे कि आपको पता है ल्यूको30DS ल्यूकोरिया को ठीक करने में मदद करता है। और अब हम ल्यूको30DS की सामग्री के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर है यष्टिमधु, पिपलामूल, शीघ्र, सुपारी, नाग केसर, अशोक, चायल, दशमूल, जटामासी, त्रिफला, शतावरी, अनंतमूल, चंदन, कौंच, ब्रिज, अश्वगंधा, गोकशूर, लोधर जैसी सामग्री है। ये 100% आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये प्रोडक्ट 100% सेफ है। और डोज की बात करें तो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद गर्म दूध के साथ लेना है। और अब बात करते हैं इसको कैसे और कहां से खरीदे। तो यह प्रोडक्ट अमेजन पर अवेलेबल है। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है अमेजोन से परचेज करने में तो आप वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पर अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, मतलब जब प्रोडक्ट आपके पास आएगा तभी पैसे देने हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। बीमारियों का खतरा, महिलाओं का यह एक ऐसा रोग है जिसमें महिला योनि से असामान्य मात्रा में सफेद रंग का गाढ़ा और बदबूदार पानी निकलता है और जिसके कारण वे बहुत पतली और कमजोर हो जाती है। यह खुद कोई रोग नहीं होता लेकिन कई प्रकार के अन्य रोगों को कारण बन सकता है। ल्यूकोरिया वास्तव में एक बीमारी नहीं है बल्कि किसी अन्य योनि या गर्भाशयगत व्याधि का लक्षण हो सकती है या सामान्यतः प्रजनन अंगों में सूजन का बोधक है। कई बार यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य, यौवन और सौंदर्य में धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। पोषण की कमी है कारण, अविवाहित युवतियां भी इसकी शिकार हो जाती हैं। इस रोग का मुख्य कारण पोषण की कमी तथा योनि के अंदर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। इसके अलावा सामान्य ल्यूकोरिया की समस्या पोषण, अत्यधिक मानसिक तनाव, शक्ति से अधिक थकाने वाले कार्य करना आदि से होता है। ज्यादातर भारतीय महिलाओं में यह आम समस्या प्रायः बिना चिकित्सा के ही रह जाती है। सबसे बुरी बात यह है कि इस समस्या को अत्यंत सामान्य समझकर महिलाएं इसकी ओर ध्यान नहीं देती और इस समस्या को छुपा लेती हैं।
बैक्टीरिया है समस्या का कारण। अधिक संख्या में महिलाओं को ल्यूकोरिया की समस्या ट्रिकोमोन्स वेगिनल्स नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस संक्रामक ल्यूकोरिया की जांच किसी अच्छे महिला रोग विशेषज्ञ से अवश्य करवानी चाहिए, अन्यथा लापरवाही से रोग भयंकर रूप धारण कर सकता है। आइए इसके कारणों के बारे में जानते हैं। बचाव एवं चिकित्सा। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है साफ सफाई। योनि को धोने के लिए सर्वोत्तम उपाय फिटकरी के जल से धोना है। फिटकरी एक श्रेष्ठ जीवाणु नाशक सस्ती औषधि है, सर्वसुलभ है। बोरिक एसिड के घोल का भी प्रयोग करा जा सकता है और यदि अंदरूनी सफाई के लिए पिचकारी से धोना डूश लेना हो तो आयुर्वेद की अत्यंत प्रभावकारी औषधि नारायण तेल का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। मैथुन के पश्चात अवश्य ही साबुन से सफाई करना चाहिए। प्रत्येक बार मल मूत्र त्याग के पश्चात अच्छी तरह से संपूर्ण अंग को साबुन से धोना, बार बार गर्भपात कराना भी सफेद पानी का एक प्रमुख कारण है। अतः महिलाओं को अनचाहे गर्भ की स्थापना के प्रति सतर्क रहते हुए गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग कॉन्डोम कापर टी मुंह से खाने वाली गोलियां अवश्य करना चाहिए। साथ ही एक या दो बच्चों के बाद अपना या अपने पति का नस बंदी ऑपरेशन कराना चाहिए। शर्म त्याग कर इसके बारे में अपने पति एवं डॉक्टर को बताना चाहिए। इस रोग की प्रमुख औषधियां अशोक रिष्ट, अशोक घनबटी, प्रदरांतक लौह, प्रदरहर रस आदि हैं। योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा गाढ़ा स्राव होना आज मध्य उम्र की महिलाओं की एक सामान्य समस्या हो गई है। सामान्य भाषा में इसे सफेद पानी जाना कहते हैं। भारतीय महिलाओं में यह आम समस्या प्रायः बिना चिकित्सा के ही रह जाती है। सबसे बुरी बात यह है कि इसे महिलाएं अत्यंत सामान्य रूप से लेकर ध्यान नहीं देती, छुपा लेती है। श्वेत प्रदर में योनि की दीवारों से या गर्भाशय ग्रीवा से श्लेष्मा का स्राव होता है, जिसकी मात्रा स्थिति और समयावधि अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होती है। यदि स्राव ज्यादा मात्रा में पीला हरा नीला हो, खुजली पैदा करने वाला हो तो स्थिति असामान्य मानी जाएगी। इससे शरीर कमजोर होता है और कमजोरी से श्वेत प्रदर बढ़ता है। इसके प्रभाव से हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन रहता है। इस रोग में स्त्री के योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा काढ़ा बदबूदार स्राव होता है। इसे वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। इस रोग के कारणों की जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ लेडी डॉक्टर से करा लेना चाहिए ताकि उस कारण को दूर किया जा सके। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप अगली नॉलेजेबल वीडियो कभी मिस न करें। अगर और कोई इस समस्या से पीड़ित है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसी गंभीर समस्या से बचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।